अरे ड्राइवर साहब, आप रोड पे क्यों खड़े हैं ऐसे? और ये क्या, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हुआ क्या? आखिर माजरा क्या है? क्यों आप कैमरे के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं और आप रोड पे खड़े हैं? अरे रुकिए रुकिए, बताते हैं आपको। ड्राइवर साहब से ही सुनते हैं उनकी पूरी कहानी। आखिर उनके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, आप देखिए पूरी कहानी। मेरा नाम गौरव है, आप लोग सुनिएगा। ये हमारी गाड़ी नंबर है 55-55-6778। इसका कल मुझे नोएडा सेक्टर 46 में मेरी गाड़ी पकड़ ली है और इसका मेरा चालान काट दिया है। ऑल इंडिया परमिट का 10,500 का चालान काटा है, यानी कि 10,500 का चालान। और देखिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, हमारे पास ओरिजिनल, वो उन्होंने मेरे हाथ में से छिना लिए। सारे डॉक्यूमेंट हमारे छिना लिए हैं। और देखिए, मेरे पास जो भी फोटो कॉपी है वो मेरे पास में है। और देखिएगा एक बार, जो चालान है वो हमारा है 10,500 रुपये का। देखो, हम आपको चालान दिखाते हैं। ये रहा 10,500 रुपये का चालान है। ये हमारा नाम है, ये हमारे पापा का नाम है, ठीक है। और हमारे ऑल इंडिया परमिट जो है वो हमारा, ये है ऑल इंडिया परमिट की रसीद है, जो आईटीओ से मिलते हैं, जो रिन्यू कराते हैं हम, वो है। और इसकी जो फीस काटी थी 1400 रुपये की, जो फीस काटी थी, मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। ये 1400 रुपये की फीस। यह है देखो, 1400 रुपये की जो हमारी कल लिए आईटीओ में फीस कटी थी, ठीक है। और ये देखो, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। मेरे पास देखो, डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो सारे होते हैं ऑल इंडिया परमिट के। ये है रसीद हमारे पास में। यह है देखो, ऑल इंडिया परमिट है हमारे पास में, इंश्योरेंस भी है हमारे पास, और फिटनेस भी है, RC भी है। और ये है, ये देखिए, ये भी है हमारे चालान का है। और इसमें जो चालान है वो दिखा, चालान यह है मेरे पास में, प्रदूषण यानी कि फिटनेस, यह है हमारी फिटनेस भी है, और 5 साल वाला परमिट भी है हमारे पास में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी है, अब मुझसे ये कहते हैं कि आप नोएडा सेक्टर 62 में डी ब्लॉक पे आप आ जाना, हम आपको वहीं पे कागज़ दे देंगे। जब हम वहाँ पे पहुँचे हम 1 बजे, तो 1 बजे जब वो हमें मिले, जब वो हमसे कहते हैं कि हमें आप वो दे दो, 10,000 रुपये दे दो और हम आपको कागज दे देंगे, तो हमने बोला कि हम 10,000 रुपये नहीं देंगे। अब आप लोगों से एक अनुरोध है, आजकल सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है इनकी मदद कीजिए, जैसे बाबा के ढाबा की मदद की थी। और हाँ, न्यूज़ बंच जरूर देखते रहें। बाय बाय।